हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गई हूँ एक नए चाइनीज़ ड्रामा के साथ, जिसमें हमारी फीमेल लीड को अपने ही भाई के दोस्त से प्यार हो जाता है, जो कि उसे 7 साल सीनियर होता है। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड सांगजी को एक टॉय लेते हुए देखते हैं। तभी पीछे से हमारा मेन लीड जायसू उसे कहता है कि क्या चोरी कर रही हो। सांगजी उसे देखते हुए सोचती है कि ये सेकेंड टाइम है जब मैं इसे इतने क्लोज से देख रही हूँ। इसके बाद हमें उसका बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। टीचर उसे सवाल पूछता है तो वो उल्टा पुल्टा जवाब देती है, इसलिए टीचर उसे अपने पेरेंट्स बुलाने बोलता है, जिससे वो परेशान हो जाती है कि अब वो अपने पेरेंट्स को क्या बताएगी। जब वो घर आती है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारा भाई घर आया है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और अपने भाई के रूम जाती है, जहाँ वो हमारे मेन लीड जायसू को देखती है। सांगजी को लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी किया है, इसलिए उसे पूछती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी किया है। तो जायसू कहता है नहीं, चाहो तो तुम पास से देख सकती हो। तभी पीछे से उसका भाई यान आता है और उसे टीज करता है। सांगजी पूछती है ये कौन है, तो उसका भाई बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है। तब जायसू बताता है कि तुम्हारी सिस्टर मुझे देखकर कंफ्यूज हो गई थी, उसे लगा था कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी किया है। ये सुनकर उसका भाई उसे टीज करता है कि तुम अपने भाई को पहचान नहीं पा रही हो। इसके बाद सांगजी अपने भाई से कहती है कि मुझे तुम्हारा एक हेल्प चाहिए, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। तब वो जोर जोर से रोने लगती है। इससे उसकी मम्मी को लगता है कि यान ही अपनी सिस्टर को परेशान कर रहा है, और वो यान को डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। जायसू अपने दोस्त की सिस्टर को नौटंकी देखकर स्माइल करता है। तब सांगजी जायसू को टिश्यू पेपर मांगती है। जायसू कहता है, क्या तुम लोग हमेशा इसी तरह लड़ते झगड़ते हो? तुम अभी अभी उसका हेल्प मांग रही थी और मना करने पर उसको तुरंत डांट भी खिला दी। तब सांगजी उल्टा उससे पूछती है कि क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम मेरा एक हेल्प कर सकते हो? तब वो पूछता है क्या हेल्प, लेकिन सांगजी उसे कुछ नहीं बताती है। तब वो कहता है, बिना रीजन जाने मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करूंगा। इसलिए सांगजी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, अब तो मेरे पेरेंट्स बनकर कल मेरे स्कूल चलोगे ना? लेकिन जायसू को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। तो सांगजी कहती है, अगर तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो वैसे भी कल स्कूल जाकर तुम्हें पता चल ही जाएगा। तब तक सांगजी का भाई आ जाता है और उसे बाहर जाने कहता है, क्योंकि उसे ड्रेस चेंज करना था। सांगजी कहती है, अपने दोस्त को भी बाहर जाने बोलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें ड्रेस चेंज करते देख एंजॉय करेगा। इसलिए उसका भाई उन दोनों को बाहर जाने बोलता है। इधर सांगजी जायसू से पूछती है, कल तुम मेरे स्कूल आ रहे हो कि नहीं? तब जायसू कहता है, तुम ये अपने भाई से क्यों नहीं कहती? तो वो कहती है, मैंने अभी अभी उस पर दोस्त लगाया है, वो मेरा हेल्प नहीं करने वाला। तभी उसकी माँ डिनर रेडी करती है, लेकिन जायसू कहता है कि उसे अभी ही निकलना होगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करता है। इधर सांगजी भी उसे लास्ट तक मनाते रहती है, इसी उम्मीद में कि जायसू उसका हेल्प करेगा। तब उसका भाई आकर जायसू से कहता है, क्यों एलिमेंट्री के बच्चे के साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तब वो कहती है, मैं एलिमेंट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं 8th ग्रेड में आ गई हूँ। ये सुनकर जायसू कहता है, इसका मतलब तुम 14th की हो गई हो। तो सांगजी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने एज के हिसाब से छोटी लगती हूँ? तो उसका भाई कहता है, एग्जैक्टली, इसके कहने का वही मतलब है। तब जायसू कहता है, नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे। अब सांगजी कंफ्यूज रहती है कि आखिरकार उसका एग्जैक्टली आंसर क्या था, क्या वो कल उसका स्कूल आने वाला है या नहीं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ उसका भाई महीनों भर बाद घर आया था, लेकिन सांगजी उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए वो कहता है, थोड़ी बड़ी क्या हो गई हो, तुम्हारे में तो गजब एटीट्यूड आ गया है। तो वो कहती है, आखिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर वो ऊपरी मन से उसका वेलकम करती है। इसके बाद उसके मम्मी पापा उन्हें ब्रेकफास्ट करने कहते हैं, और यहाँ भी उसका भाई उसे टीज करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। फिर वो अपने फादर से उनका कार मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने मेन कैंपस के हॉस्टल में शिफ्ट होना था। वो कहता है कि उसका दोस्त भी शिफ्ट होगा, इसलिए लगेज ले जाने के लिए कार का जरूरत है। अब जैसे ही सांगजी उसके दोस्त के बारे सुनती है, वो अपने भाई को मस्का मारने लगती है कि वो उसके हॉस्टल शिफ्ट होने में हेल्प करेगी, लेकिन उसका भाई एग्री नहीं करता है। तो वो अपने नौटंकी करके अपने मम्मी पापा के थ्रू उसे मना लेती है। वह कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद उसके कैंपस में जाकर उसे कॉल करेगी। नेक्स्ट दिन वो स्कूल खत्म होने के बाद अपने भाई के कैंपस में जाकर उसे कॉल करती है, जहाँ वो कहता है कि अभी वो बिजी है। तब सांगजी कहती है कि तुम रूम नंबर बताओ, मैं खुद ही आ जाती हूँ। फिर सामने वो अपने पापा का कार देखती है और पास जाकर वहाँ रखा एक टॉय उठाती है। और तभी पीछे से जायसू आता है और कहता है कि क्या चोरी कर रही हो। और ये वही सीन होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। वह कहता है, सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो। वह कहती है, मैं अपने भाई का हेल्प करने आई हूँ। तो वह कहता है, हाँ बताया था उसने, बाय द वे तुमने मेरा सामान क्यों लिया है?
वैसे अगर तुमको ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसे अपने पास रख सकती हो। सांगजी कहती है, मैं ये बच्ची नहीं हूँ जो टॉय के साथ खेलते रहूंगी। तब जैसू कहता है, ठीक है फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। तब वो कहती है, ऐसा है तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। फिर जैसू उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जाकर वो देखती है कि उसका भाई तो गेम खेल रहा है। वो उस पर बरसने लगती है, तब उसका भाई चॉकलेट दिखाकर उसे शांत कर देता है। ये देख जैसू को भी हंसी आता है। इसके बाद हम वहाँ उनके दो और फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें एक मोटू होता है और दूसरा सांगजी को देखते ही उसके करीब आता है, जहाँ उसका भाई उसे कहता है कि मेरी सिस्टर से डिस्टेंस बनाए रखो वरना वो डर जाएगी। तभी जैसू उसे अपने बेड में बैठने को कहता है। ये सुन सांगजी अपने भाई की तरफ देखती है, तो वो कहता है, जाओ बैठ जाओ वहाँ। फिर सांगजी जैसू से कहती है, तो मुझे छोटी बच्ची मत बुलाया करो, मैं अब छोटी नहीं हूँ। ये सुनकर जैसू के फेस में स्माइल आ जाता है। फिर चारों डिस्कस करते हैं कि वे क्या डिनर करने वाले हैं। तब जैसू कहता है, तुम लोग करना मुझे अभी जाना होगा, मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मोटू उसे टीज करता है कि पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम हम लोग के साथ कभी ज्वाइन नहीं होते। इसके बाद जैसू सांगजी के एकदम करीब से अपना कोई सामान लेता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद वो मोटू से पूछती है कि क्या जैसू की गर्लफ्रेंड है, तो वो बताता है कि जैसू इतना बिजी पर्सन है कि उसे गर्लफ्रेंड बनाने तक का टाइम नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो अपने बैग से कुछ बुक्स निकालती है और उस टॉय को भर लेती है, इसी वजह से उसका एक नोटबुक जैसू के बेड में ही छूट जाता है। अगले दिन जब जैसू रिटर्न आता है, तो यान उससे कहता है कि मेरी सिस्टर कॉल की थी, तुम्हारा कुछ सामान शायद उसके पास रह गया है। फिर वो अपनी सिस्टर से उसे बात करवाता है, तो वो कहती है, नहीं एक्चुअली तुम्हारा चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरा एक नोटबुक तुम्हारे प्लेस में छूट गया है। तब जैसू कहता है, ठीक है मैं यान को दे दूंगा, कल वो तुम्हें दे देगा। तब सांगजी कहती है, लेकिन मुझे कल होमवर्क सबमिट भी करना है। तो वो कहता है, तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। फिर उसे समझाता है कि इस तरह अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, तुम अगर ऑनेस्टली अपने टीचर को सब कुछ बताओगी तो वो तुम्हें जरूर समझेंगे। सांगजी कुछ नहीं कर पाती है। तब जैसू कहता है, तुम स्कूल 7 बजे निकलती हो ना, कल 6 बजे निकलना, मैं बस स्टॉप में 6 बजे तुमसे मिलूंगा और फिर तुम्हारा होमवर्क करने में भी हेल्प करूंगा। ये सुनकर सांगजी काफी खुश होती है। वो ढेर सारा अलार्म लगाकर सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर बस स्टॉप पहुंच जाती है, लेकिन अब तक से वहां जैसू नहीं पहुंचा था। इसके बाद हमें सीन फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन वो सोच रही थी कि जैसू आएगा या नहीं। जब टीचर नोटिस करता है कि वो क्लास पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो उसे अपने ऑफिस बुलाता है। और पार्ट 1 यही खत्म होता है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।